हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गिफ्ट बास्केट से और मजबूत होगी यूपी के ओडीओपी की ब्रांडिंग। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और कुछ खास लोगों को मुख्यमंत्री की ओर से जाएगा गिफ्ट हैम्पर। दिवाली के खास मद्देनजर बेमिसाल है टेराकोटा का यह गिफ्ट हैम्पर। ईंट भट्टे और मजदूरों को बंधक बनाकर गगहा थाना क्षेत्र में हुई डकैती। अंधेरे का फायदा उठाकर एक झोपड़ी में मजदूर, महिलाओं और दो किशोरियों के साथ की दरिंदगी। एसपी साउथ ने कहा, तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर मामले की पुलिस कर रही है जांच, जल्द होगा खुलासा। राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना की समीक्षा। ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग से ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण कर डाटा एंट्री के संबंध में की चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के वित्त मंत्री ने बुधवार को कोविड 19 के रोकथाम के लिए शासन द्वारा जारी किए गए धनराशि की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। दीपावली पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा वनटांगिया गांव में दीपावली मनाने की संभावना को देखते हुए जिलाधिकारी, सीडीओ सहित अन्य अधिकारियों ने वनटांगिया गांव का किया निरीक्षण, तैयारियों का लिया जायजा। गांव वालों से विकास कार्यों की प्रगति की ली जानकारी। दीपावली पर्व के मद्देनजर विकास भवन परिसर में लगे सरस दीपावली मेले का कमिश्नर, डीएम, सीडीओ सहित संबंधित अधिकारियों ने किया अवलोकन। समूह की महिलाओं को दिया गया राशन के दुकान का प्रमाण पत्र। कमिश्नर ने कहा, किसानों की आय को दुगना करने में सहायक होगा सरस मेला। त्योहारों पर मिलावट खोरों पर लगाम लगाने के लिए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल के नेतृत्व में खाद्य विभाग की टीम ने महानगर स्थित रिद्धि सिद्धि मिष्ठान पर मारा छापा। मिठाइयों की गुणवत्ता की जांच, दी चेतावनी। कहा, खाद्य पदार्थों में मिलावट मिलने पर होगी कड़ी कार्रवाई। गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए बुधवार को दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सहित कुल 9 प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन पत्र। 17 नवंबर को पर्चों की होगी वापसी, 1 दिसंबर को मतदान तथा 3 दिसंबर को होगी मतगणना। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में दीवानी न्यायालय परिसर में जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक सेमिनार किया गया आयोजित। सेमिनार में पॉस्को एक्ट और जेजे एक्ट के संबंध में जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ की गई चर्चा। सीडीओ की अध्यक्षता में बुधवार को संपन्न हुई परफॉर्मेंस ग्रांट समिति की बैठक। चयनित गाँव के विकास कार्य योजनाओं पर की गई चर्चा, बनी रणनीति। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय मार्कंडेय चंद की पुण्यतिथि पर गोलघर स्थित उनके आवास पर श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। उनके चित्र पर माल्यार्पण, पुष्प अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। गोरखपुर में बुधवार को मिले 37 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 19,407। अब तक 315 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 419 एक्टिव हुए मरीज, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। बड़हलगंज पुलिस ने 2 पशु तस्करों को बाइक के साथ किया गिरफ्तार, भेजा जेल। और धनतेरस दीपावली पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए रामगढ़ताल पुलिस ने अभियान चलाकर किया वाहनों का चेकिंग, काटा चालान। सीओ कैंट ने कहा, दीपावली तक चलता रहेगा अभियान।